हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स पर। हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती प्रक्रिया चली हुई है। कुछ ब्लॉक्स में तो काउंसलिंग भी करवा ली गई है, लेकिन कुछ कारणों से अन्य ब्लॉक्स में ये काउंसलिंग प्रक्रिया रुक सी गई थी और इसके संबंध में BEO से भी संपर्क किया गया कि कोई अपडेट बताओ कि कब तक होगी काउंसलिंग शुरू। तो इस पर वे भी कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे थे। उनके अनुसार डिप्टी डायरेक्टर लेवल पर उन्हें आदेश थे कि ये प्रक्रिया फिलहाल यहीं पर रोक दी जाए, यानी इसे होल्ड पर रखा जाए। परंतु बहुत खुशी की बात है कि अब भर्ती संबंधित एक नोटिफिकेशन डॉक्टर पंकज ललित, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है उपरोक्त विषय पर। विषय हमारा वही है, राजकीय पाठशालाओं में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति के संबंध में बनाई गई पॉलिसी बारे। तो ज्ञापन है, उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 8/4/2022 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत राजकीय पाठशालाओं में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पदों को भरने हेतु समय सारणी निर्धारित की गई थी, जिसके अनुसार इन पदों को भरने की पूरी प्रक्रिया को दिनांक 31/5/2022 तक पूर्ण किया जाना था। क्योंकि इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26/4/2022 के अंतर्गत उक्त पदों हेतु आवेदन जमा करने की तिथि को 27/4/2022 से 7/5/2022 तक बढ़ा दिया गया था, तथा आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया हेतु 10 दिन का समय दिनांक 22/5/2022 तक निर्धारित किया गया था। अतः उक्त के मद्देनजर रखते आपको ये निर्देश दिए जाते हैं। अब ये निर्देश किनको दिए जा रहे हैं? समस्त उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उन सभी को ये निर्देश दिए जाते हैं कि संबंधित उप मंडलाधिकारी नागरिक से परामर्श कर आगामी प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र आगे बढ़ाया जाए, तथा पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति संबंधी सारी प्रक्रिया को दिनांक 30/6/2022, एक बार पुनः दोहराऊंगा, 30 जून 2022 से पहले पूर्ण किया जाए। इसका मतलब अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो 30 जून से पहले पूरी हो जाएगी। इस संबंध में नियुक्ति संबंधी प्रगति की सूचना हर सप्ताह के अंत पर संलग्न प्रपत्र पर निदेशालय को भेजी जाए, और साथ में हर सप्ताह के एंड में जो भी प्रक्रिया हुई है नियुक्ति के संबंधित, उसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी होगी। तो दोस्तों, आपकी ये क्वेरीज थी कि कब काउंसलिंग शुरू होगी, तो डिफरेंट ब्लॉक से ये क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आज ये बात क्लियर हो गई है कि जल्द ही SDM महोदय से डेट ले ली जाएगी, जहाँ पे डेट अभी तक नहीं ली गई है, और जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया को करवा लिया जाएगा। क्योंकि इसके बाद फिर समय कम रह गया है, काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी, और ये जो ज्वाइनिंग की रिपोर्ट्स है वो साथ साथ में हफ्ते के एंड में डिप्टी डायरेक्टर को भेजनी होगी, और फिर वहाँ से कंसोलिडेट होके जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टर तक पहुँचेगी। इट मीन्स कि अब जैसा कि डेडलाइन जो है 30/6/2022 की डिक्लेयर कर दी गई है, उस डेट से पहले ही पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस अपडेट सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।